Hello guys and welcome to my channel AJ. So guys, in my today's video I will react on my favorite artist OG Gumman. मैं फाइनल डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अब OG Gumman की एल्बम स्टिल ट्रैपिंग पे रिएक्ट करूँगा. मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एल्बम के सॉन्ग्स को सुनने के लिए. और जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग चूज़ करा है रिएक्शन के लिए वो है द डी फीचरिंग सुल्तान. मेरा मेन रीज़न यही है कि यार सुल्तान के सॉन्ग से न्यू ऑडियंस विल कम. और जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. मैं इंट्रो छोटा सा ही रखूँगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस पूरी एल्बम पे रिएक्शन आने वाला है. आई नो कि आप एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा इस एल्बम की रिएक्शन के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके ओके प्रोड्यूस बाय एडी. काली गड्डी बिच जट फिरदा नी, अख रखी फिरे तेरे उते चिरदा नी. काली गड्डी बिच जट फिरदा नी, अख रखी फिरे तेरे उते चिरदा नी. काली गड्डी बिच जट फिरदा नी, अख रखी फिरे तेरे उते चिरदा नी. काली गड्डी बिच जट फिरदा नी, अख रखी फिरे तेरे उते चिरदा नी. अज मैं ना चल दिखाना मेरी की है लाइफ, बिबा बॉयज यूनिटी हैगी पूरी टाइट. ओहो ओए होए होए होए, सीधे ही स्टार्टिंग इन्होंने सॉन्ग में बता दिया कि बिबा बॉयज यूनिटी बहुत स्ट्रांग है. अपनी पूरी गैंग लाइक यूनिटी एक साथ रहती है, नो स्निच. ये मेरी की है लाइफ, बिबा बॉयज यूनिटी हैगी पूरी टाइट. चीप साढ़े कोल ये दा है गए अपर राइस, कुकी हो जानी खराब, डोंट पुट आइस इन इट. मेनू यार इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ भी कर दिया यार. मैं क्योंकि ना स्लैंग से इतना फेमिलियर नहीं हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि चीप मेरे पास हैगी, मतलब क्या चीज़ चीप. मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ स्लैंग से. मेरे माइंड में जो फर्स्ट चीज़ आती है वो यही होती है, ड्रग्स हमेशा. मे बी मैं रॉन्ग हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना आप कमेंट सेक्शन में. और कुकी वाला रेफरेंस किस चीज़ के लिए है, मेरे को पता है वो लिटरली कुकी के लिए नहीं कह रहे, ये किस चीज़ का रेफरेंस है, किस चीज़ के लिए स्लैंग यूज़ कर रहे हैं, मेरे को प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना. मेनू आया फोन, मेनू दे एक मिनट. जी तेरा बिलो पूरा रहंदा या बिजी, तीन डिजिट आले यूज करी दे स्कीजी. यार अब ये क्या चीज है, तीन डिजिट वाले यूज करी दे यार. ये भी यार लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लिख रहे हैं OG Gumman भी. वे वाइब में आ रहे हैं इस एल्बम में लगता है. आले यूज करी दे स्कीजी. क्या 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 क्या, तीन डिजिट वाले यूज करी दे. मैं रुको, मैं स्लो करके सुनता हूँ इनको. तीन डिजिट आले यूज करी दे स्कीजी जी. क्या मैं नहीं समझा यार, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तीन डिजिट वाले यूज करी दे कि क्या, मतलब क्या यूज कर रहा था तीन डिजिट वाला. यूज करी दे स्कीजी जिने मेनू गेम्स खाई ओदा नाम या बिजी. ओए होए तो अद पाके कुक करदा मैं आउंस, एक फोन उते सिटी करा दमा बाउंस. ओके यारा नु फिस्केल दईदा, पिट पिछे किसे नु नी बुरा कहिदा. आए बड़े तो नीडी नहीं होजी गुमान ब्रो, पिट पिछे बोलने की. पैसा आउंदा एकदा जीता मेरे कोल है कोई जादू, मैं नोटां दी मशीन. मैंने अपने एक लास्ट बैड न्यूज़ की रिएक्शन में बताया था कि यही ट्रिक, यही मैजिक या यही स्किल मेरे को OG Gumman से सीखनी है कि कैसे बनाते हैं पैसे. यार मेरे को यही चीज़ OG Gumman से सीखनी है, एक बार उनके बैठ के आराम से उनसे पूरे लेसन लेने. प्लीज़ मेरे को बताओ सीरियसली, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ पर. मैं मेरे को लिटरली इनसे पूछना है. ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ. ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ. ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ. ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ. ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ. ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ. 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ. ਪੂਰਾ ਸੌਂਗ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਹੀ ਥਾ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਫੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ. ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਲਗਾ ਦੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਭਾਈ. ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾ ਵਰਸ ਸੁਣੂ. ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਠੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਖਰੇ ਨਾ ਮਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਜੱਟ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ यही चीज़ मैं हमेशा कहता आया हूँ, यही चीज़ कि इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता इस चीज़ के लिए कि कितना ये मोटिवेट करते हैं अपने सॉन्ग में, कितना इंस्पिरेशंस देते हैं ये इस चीज़ के लिए हमेशा। ये लाइक कोई भी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देता इस चीज़ को सुल्तान के लिए। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है कि अभी भी जिस तरह बता रहे हैं ये सतरंगी पिंग पाई रखा जेब बेचनी पामे दिन सतरंगी पिंज मेरे को मैं गेस कर पा रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, आप बताना क्या कह रहे हैं सतरंगी है। रखा जेब बेचनी कार नू ना जानी टेचनी सतरंगी पिंग पाई रखा जेब बेचनी पामे दिन रात रहिंदा या मैं फन करदा पर तुरे आया मंजिला दी सेध बेचनी। ये देखो ये होती है इंस्पिरेशन ब्रो, सुल्तान को तुम ऐसे बोलते रहते हो, ये चीज तो देखो सुल्तान जी। ऐसे करने दी बारी हुण लगे तेरी आई हाय जट अख तेरे ते टकाई काली गड्डी बिच जट फिर दानी अख रखी फिरे तेरे उत चिरदानी काली गड्डी बिच जट फिर दानी अख रखी फिरे तेरे उत चिरदानी काली गड्डी बिच जट फिर दानी अख रखी फिरे तेरे उत चिरदानी काली गड्डी बिच जट फिर दानी अख रखी फिरे तेरे उत चिरदानी। सॉन्ग तो ओवर हो गया यार, बहुत फाइन ऐसा था, मेरे को मज़ा आ गया, फील आ गई। पर एक चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना लिरिकली इतना हैवी होंगे, इतने अच्छे अच्छे तरीके से लिरिक्स लगेंगे ओजी कुमार। मेरे को लगा था वाइब वाले पूरे, वो अपने पैसे वाले पूरे फन वाले पूरे वैसे वाले होंगे लिरिक्स, बट जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, जो इन्होंने स्पेशली जो इन्होंने स्टार्टिंग में रेफरेंसेज यूज़ कर रहे हैं वो कुकी वाले और वो थ्री डिजिट्स वाले, ये दो स्पेशली जो स्लैंग्स थे ये काफ़ी अच्छे थे। मैं ये सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा कि ये क्योंकि मेरे को नहीं पता इनका मतलब क्या है तो ये बहुत कूल हो गई चीज़ है वो हो गया, नहीं लिटरली पता चल रहा है कि इन्होंने लिरिक्स पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉन्ग इन्होंने सॉन्ग नहीं लिखा, अपनी पूरी इन्होंने कह सकते हैं कि पूरा ध्यान दिया इस चीज़ पर। और सुल्तान की तो यार मैं हमेशा से कहते आया हूँ, सुल्तान तो हम मोटिवेट इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा देते हैं, वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है। बहुत मुश्किल होता है कि एक सॉन्ग के अंदर तुम इतने सारे टॉपिक्स कवर कर सको, पूरा यही बता दिया भाई फन करना है अपना, पूरा मौज चलती है, यही बता दे कि लड़कियाँ किस तरह क्रश है सुल्तान पे, सब बता दिया, इंस्पिरेशन भी दे दी, मोटिवेट सब कर दिया। ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, वही चीज़ है, इस चीज़ का एप्रिसिएशन सुल्तान को नहीं मिलता, वो ये मैं हमेशा कहता आया हूँ और अभी भी बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस सॉन्ग की वीडियो भी ड्रॉप हो क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा है सॉन्ग, जो जो देखा जाए ना जिस तरह ओजी कुमन का जो वोकल्स थे वो काफ़ी लाइट काफ़ी लो की थे, तभी सुल्तान आए ट्रैक पे, उन्होंने करी धप्पा और फील ला दी, मज़ा आ गया मेरे को। और भी मैं एक्साइटेड हूँ कि इनके और सॉन्ग से भी रिएक्ट करूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा हो जल्दी से। तो गाइज रिएक्शन तो इतना ही था, आई होप कि आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। यू कैन ऑल्सो जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय गाइज।